बीएड सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्राध्यापक ध्यान देंगे कि मैं आपके आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षा में आपको पर्यावरण शिक्षा में तकनीकी एवं जनसंचार माध्यमों का उपयोग बता रहे थे, उसी के क्रम में आज मैं आपको यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स यानी दृश्य श्रव्य उपकरणों का जो प्रयोग है वो कैसे होना है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं उसमें सब पर्यावरण से रिलेटेड हैं। श्रव्य और दृश्य साधनों का प्रयोग भी सुविधानुसार हम अपने पर्यावरणीय शिक्षा में करते हैं, जैसे टीवी, वीसीआर, फिल्म की जो स्ट्रिप हैं, रेडियो हैं, टेप रिकॉर्ड हैं आदि के प्रयोग में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ इसमें प्रसारण की पूर्व की जो क्रियाएं हैं, यानी इसका जब हम प्रसारण करने लगे तो हमें ऐसी सामग्री या ऐसा उपकरण युक्तियां हैं जिनके प्रयोग करने से विभिन्न शिक्षण की परिस्थितियों में छात्रों के समूहों को उसको बहुत प्रभावी ढंग से हम उनके मन मस्तिष्क में ज्ञान का संचार कर सकते हैं। शिक्षण सामग्री को हम अवबोध प्रदान करते हुए उसे हम छात्रों के अनुरूप सहज, सरल और सुबोध बना सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको जैसे श्रव्य दृश्य सामग्री के उद्देश्य, सबसे पहले हम आपको श्रव्य दृश्य सामग्री के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, फिर इसकी आवश्यकताएं क्या हैं और इसके महत्व क्या हैं। तो इसमें आपको एक एक चीज़ें हम डिफाइन करेंगे। श्रव्य दृश्य सामग्री के उद्देश्य में लगभग 10-12 बातें हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो यह है कि संबंधित छात्र को जिस चैप्टर को हम पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ के प्रति यानी उस चैप्टर के प्रति उन छात्रों में एक रुचि उत्पन्न हो, और जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो उनमें तथ्यात्मक सूचनाओं को हमें रोचक बनाना है, यानी उनको ये महसूस हो कि ये हमारी पाठ्यक्रम की ये तथ्य अति महत्वपूर्ण है, उसके प्रति उनमें रोचकता उत्पन्न होगी और अधिकम धारणा में सुधार करना। जैसे मान लीजिए कि मैंने पढ़ाया तो पढ़ाने के बाद उसका इवैल्यूएशन, यानी इस बात की अनुभूति जरूर अवश्य कर ले जानी चाहिए कि जो पाठ को आत्मसात कराया जा रहा है वो विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत तक वो अच्छे ढंग से उसको समझ पा रहे हैं, यदि उनके समझने में कहीं कोई कठिनाई हो रही है तो उसे हमें सुधार करने की आवश्यकता है और ये देखने की आवश्यकता है कि वह कौन सी ऐसी बातें हैं जिस बात को उनकी समझ में नहीं आ रहा है। अगला है कि छात्रों को क्रियाशील बना, यानी उनको मूक दर्शक की भांति नहीं बैठे, उन्हें बीच बीच में प्रश्न पूछ लेना या जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं उसमें उनसे कुछ चर्चा परिचर्चा कर लेना, यानी उनको हर समय ऐसे क्रियाशील बनाएं कि जिससे उनको ये लगे कि हमारा
जो पठन पाठन हो रहा है उसका पूरी तरह से अच्छे ढंग से मूल्यांकन हो रहा है। तो इससे होगा क्या कि संबंधित जितने भी छात्र होंगे वो बहुत क्रियाशील होंगे, अध्ययन की जो रुचियां हैं उनको हमें विकसित करना है, जो अच्छे बच्चे हैं यानी जो प्रभावशाली जो बालक हैं उनके ज्ञान को हमें समृद्ध करना है। जैसे कोई मान लीजिए कमज़ोर बालक है तो कमज़ोर बालक के साथ शिक्षक सहानुभूतिपूर्वक उसको भी उस प्रतिभाशाली बालक के साथ ले चलने का प्रयास करना चाहिए, उसको कहीं ऐसा न हो कि आम के द्वारा इग्नोर हो, छात्रों के द्वारा इग्नोर हो, यानी उनको भी जो उनकी मंद बुद्धि है उनको भी ये कहीं आप मतलब महसूस भी ना हो, यानी एक साथ कोऑपरेट करके जब पूरी कक्षा को जब हम आप अध्ययन और अध्यापन कराते हैं तो उस छात्र में भी जिज्ञासाएं होती हैं, उन छात्रों को भी पढ़ने की अपनी एक धारणा होती है, तो वह भी उन सभी के साथ देख करके वो भी सीखने के लिए प्रयत्नशील होगा। जैसा कि आपने बहुत सारे महापुरुषों की जीवनियां आप देखें जो प्रारंभ में बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन एनवायरनमेंट के द्वारा उनका जो ज्ञान का जो परिवेश था वो पूरी तरह से बदल गया और वो भी एक दिन प्रतिभाशाली छात्र के रूप में वो भी अपने को समय के साथ समायोजित करने का उन्होंने भी प्रयास किया है। हमें यानी एक शिक्षक को उस पाठ्य सामग्री बहुत सरल सुबोध बनाना चाहिए, यानी उसको बहुत जितना सरल से सरल हो सके उतना सरल हमें बनाना चाहिए और छात्रों में किसी तरह की जैसे उनके ध्यान पर विशेष ध्यान रहे, छात्रों के प्रेक्षण जो कौशल हैं उनके अंदर की जो अंतर शक्ति है उसको विकसित करना चाहिए, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना चाहिए जिससे उनके अंदर एक कौशल डेवलप। इतनी चीज़ें भी आम की सब श्रव्य सामग्री का उद्देश्य। अब आइए आपको हम इसकी आवश्यकता एवं महत्व बताते हैं। जो ज्ञान की जो ज्ञानेंद्रियों पर एक कौशल आधारित होता है और यही दीर्घजीवी भी होता है और जीवन में हमेशा के लिए स्थायी बना रहता है, श्रव्यद्रिय सामग्री इसी सिद्धांत पर आधारित है। श्रव्यद्रिय सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज है ध्यान का आकर्षण। ध्यान के आकर्षण का मतलब जैसे अभी आप कहीं बैठे हों, एकाएक कहीं जोर से आवाज़ होती है तो आम का जो ध्यान है वो सुर चला जाता है। वैसे कक्षा में भी विषय सामग्री इस तरह से प्रस्तुत की जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी का जो मन मस्तिष्क है जो ध्यान है वो विषय से जुड़ जाए। समय की बचत, क्योंकि एक साथ 50-60 बच्चे हम बैठा के पढ़ाते हैं तो कम से कम एक समय में हम 50-60 बच्चों को तो पढ़ाए। प्रत्यक्ष अनुभव, क्योंकि जिन चीज़ों को प्रत्यक्ष देखते हैं उसका लाभ हान पूरा एक्सपेरिमेंट वो बहुत भले महत ढंग से आत्मसात कर लेते हैं और जो सिद्धांत होते हैं उसको हम स्पष्ट भी कर लेते हैं, उसमें किसी भी तरह की कहीं निरस्ता भी नहीं होती है और आपस के जो क्लासमेट होते हैं उनमें आपस में मित्रता का बड़ा अच्छा भाव भी होता है और जब मित्रता अच्छी होती है तो उच्च चिंतन की प्राथमिकता भी हम आप देते हैं। अनुभवों का जो सिद्धांत है उसको पर्याप्त रूप से हम विकसित भी करते हैं और बच्चों को
पर्याप्त रूप से उन्हें तैयारी का अवसर भी मिलता है और उनकी जो अनुवर्ती जो क्रियाएँ हैं उनको भी हम बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी कर लेते हैं और क्रियाशील भी बना लेते हैं। एक विद्वान जिनका नाम है बैसले ने इस सामग्री के महत्व के सापेक्ष में अपने उन्होंने विचार लिखा, श्रव और दृश्य साधन अनुभव कराते हैं, उनके प्रयोग से वस्तुओं तथा शब्दों का संबंध सरलता से जुड़ा रहता है, बालकों के समय की बचत होती है, जहाँ बालकों का मनोरंजन होता है वहाँ बालकों की कल्पना शक्ति और निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है और इन्हीं विकास से इस श्रव्य दृश्य सामग्री का जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर विशेष बल देती है। इस सामग्री के द्वारा बालकों को अवबोध शक्ति का विकास होता है, यह शिक्षण अधिगम की कुशलता को प्रभावी और आकर्षक भी बनाती है। इस सामग्री से अधिगम प्रक्रिया में ध्यान और अभिप्रेरणा दोनों को बनाए रखने में बहुत मदद करती है। इस तरह से इतनी चीज़ें हमारी क्या हुई, ये श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व।